डियर स्टूडेंट, वेलकम SVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे सेकंड लेसन की, दूसरे पार्ट की, और हमने ये पढ़ लिया था कि किस प्रकार आदि मानव एक गोमंतु प्राणी था, आदि मानव का जीवन शुरुआत में किस प्रकार का था, वो जंगल में किस प्रकार रह रहा था, वो अपना पेट किस तरीके से भर रहा था, और वो आखिर एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमता था। इन सभी कारणों को हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो शीर्षक है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मानव का मतलब हो गया है जब मानव की आरंभिक अवस्था थी, जब मानव का शुरुआती दौर चल रहा था, और जिसको हम आदि मानव के रूप में कह सकते हैं। आरंभिक मानव मतलब आदिवासी, उनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है। जो हमने जानकारी बताई थी आपको कि वो इस प्रकार से काम करते थे, इस प्रकार भागते थे, गोमंतु थे, जंगली जानवरों को मारकर खाते थे, उनकी जानकारी हमको आखिर मिलती कैसी है, हम कैसे पता लगाए कि उनकी जीवन शैली वो ऐसी थी, आज वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, आदि मानव का जो प्रमुख कार्य था जंगली जानवरों को मारना, सिंपल सी बात है। जो आदि मानव हैं, प्रमुख कार्य क्या था, भाई पेट भरना, और पेट भरने के लिए क्या करता था, जंगली जानवरों को मारता था। और जो जंगली जानवरों को जो मारता था, ठीक है, तो जंगली जानवरों को मारने के लिए वो उनके पीछे भागता था। हाथ से तो मार नहीं सकता, उनके पीछे वो पत्थर फेंकता था, या नुकीले पत्थर या नुकीली लकड़ी उनको आगे से नुकीली करके फिर उनके पीछे फेंकता था, और वो जंगली जानवर के लग जाती तो वो मर जाता था। ठीक है, तो आदि मानव एक तरह से क्या है, आर्किटेक जो है, आर्किटेक मतलब जो शिकारी है, मैं शिकारी भी कह सकता हूँ इसको। ठीक है, तो जो आदि मानव या जो शिकारी हैं, वो भोजन इकट्ठा करने के लिए जानवरों को मारना, फल फूल को इकट्ठा करना, मछलियों को पकड़ करके उनको इकट्ठा करना, फिर उनका खाने में प्रयोग करना। ठीक है, अब देखो, जो जंगली जानवर हैं उनको मारने के लिए वो किसका प्रयोग करता था, या तो वो पत्थरों का प्रयोग करता था, वो पत्थर के माध्यम से जंगली जानवरों को मारता था, पत्थरों का प्रयोग करना, और लकड़ियाँ, लकड़ी का भी प्रयोग करता था वो। और पहले जिन जानवरों को उन्होंने मारा है उनकी जो हड्डियाँ थी, हड्डियों का भी तो प्रयोग करता था। तो अपन को ये समझना है कि जो आदि मानव जंगली जानवरों का शिकार करता था, वो किन चीज़ों से करता था। वो करता था पत्थरों से, लकड़ी से और हड्डी से। मतलब ये हुआ कि जो हमारे पुरातत्व वेद हैं, जो विद हैं, पुरातत्व विद, वे व्यक्ति जो पुरानी वस्तुओं की खोजबीन करते हैं, पुराने वस्तुओं को खोजते हैं, उनको बोलते हैं पुरातत्व विद। तो जब इन्होंने खोजा, जब इन्होंने ये चीज़ें खोजी जिन चीज़ों का आदि मानव जंगली जानवरों को मारने में प्रयोग करते थे, ये चीज़ें कौन कौन सी हैं, पत्थर है, लकड़ी है और हड्डी है। लेकिन जब इन्होंने खोजबीन की तो इनमें से जो सुरक्षित रही है, ऐसा तो नहीं कि आदि मानव को उस समय जो लकड़ियाँ अभी भी मिली हैं, हड्डियाँ मिली हैं, पत्थर ज़रूर मिले अपन को, क्योंकि पत्थर ज़्यादा समय तक रहते हैं, लकड़ी भी नष्ट हो जाती है, हड्डी भी नष्ट हो जाती है, लेकिन पत्थर की इन सबसे उम्र ज़्यादा है, वो सुरक्षित रहता है। तो जब पुरातत्वविद, वे व्यक्ति जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, पुरातत्व हैं, प्राचीन समय के तत्वों की खोज करते हैं, तो जब इन्होंने इन चीज़ों की खोज की जिनको इनको क्या मिले, पत्थर मिले, तो ये जो पत्थर मिले हैं वो नुकीले पत्थर मिले। उनकी बनावट इस प्रकार की थी कि वो किसी जानवर को मार सकते हैं। और इन पत्थर का वो प्रयोग कहाँ करते थे, और वो इन पत्थरों का प्रयोग जंगली जानवर को मारने में, मांस काटने में, लकड़ी काटने में भी प्रयोग करता था, लकड़ी काटने में, हड्डियों को भी काटने में करते था, खाल काटने में,
हड्डी काटने में तो मांस काटने में, लकड़ी काटने में, खाल काटने में, हड्डी काटने में, मतलब शिकार करने में तो करता था मुख्य रूप से पत्थर का प्रयोग। ठीक है, और कहाँ प्रयोग करता था? और वो पत्थरों का प्रयोग, जैसे लकड़ी है, ठीक है, इस प्रकार से लकड़ी ले ली उन्होंने, और उस लकड़ी के आगे वो खाल की पतली रस्सी बनाकर उसके आगे नुकीला पत्थर बांध लेता था इस प्रकार का। जैसे मान लो ये पत्थर है, ये तो लकड़ी है, और ये क्या है, नुकीला पत्थर, और यहाँ अच्छी तरह से बांध लेता। तो इसका प्रयोग कहाँ करता था? जंगली जानवरों से अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए। कभी मान लो किसी जानवर ने पर आक्रमण कर लिया तो उस जानवर को मारने के लिए इस प्रकार के हथियार का प्रयोग करता था। एक प्रकार से इनसे वो क्या बनाता था, हथियार। हथियार मतलब जो हाथ में होते हैं, अपन इसको औजार भी कह सकते हैं। तो आदि मानव जो जंगल में रहता था, जंगली जानवरों को मारकर अपना पेट भरता था, शिकार उसका प्रमुख कार्य था, जिसको आखेट कहते हैं, और मारने वाले को शिकार या आखेटक कहते हैं। तो वो आखेट करने के लिए या तो पत्थर का प्रयोग करता, या लकड़ी का प्रयोग करता, या हड्डी का प्रयोग करता था। अब इनका प्रयोग करके वो तो औजार बनाता था, जो नुकीले पत्थर हैं, इस प्रकार से लकड़ी का प्रयोग करके, पत्थर लगा करके वो एक औजार बनाता था, हथियार, ताकि जंगली जानवर को पीछे फेंक कर उसको मार दिया जाए, खुद की सुरक्षा हो सके। जब किसी जंगली जानवर ने पर आक्रमण कर लिया है तब तो सुरक्षा हो सके। ठीक है, और इन हथियारों का प्रयोग वो कहाँ करता था? मांस काटने में जरूरत पड़ती थी तब, लकड़ी काटने में, खाल काटने में, हड्डी काटने में, शिकार करने में वो इन पत्थरों का प्रयोग करता था, इन हथियारों का प्रयोग करता था अपने जीवन में, आरंभिक जीवन में। और आरंभिक जीवन का मतलब हो गया कि आदि मानव के जीवन में, जो आदि मानव था। इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि आदि मानव किस प्रकार शिकार करता था। अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाता है, उसके कारण समझे थे। इस वीडियो में अपन को ये समझना है कि आदि मानव जो शिकार करता था, वो इनका प्रयोग करके, ये इस इनका प्रयोग करके वो जो हथियार बनाता है, उन हथियारों का प्रयोग इस चीज़ में करता था। ठीक है, और ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? जब हम पत्थर को देखते हैं, पत्थर जो हथियार के रूप में बने हुए हैं, और ये जानकारी हमको कौन बनाते हैं, बताते हैं? ये पुरातत्वविद है, जो एक तरह से इतिहासकार है, वो हमको इस प्रकार की जानकारी देते हैं। ठीक है, तो ये तो आदि मानव की आरंभिक जीवन के बारे में था, उनका किस प्रकार रहन सहन, खान पान था। लेकिन ये जानकारी जो हमको आदि मानव के बारे में मिलती है, वो कहाँ मिलती है भाई? वो कहाँ से अपन को पता लगा कि यहाँ आदि मानव था और इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें हुई हैं? तो वो भी तो पता होना चाहिए। लेकिन इस संदर्भ में हम जो बात करेंगे वो भारत के अंतर करेंगे, कि भारत में ऐसी कौन सी जगह हैं, कौन सी स्थान हैं, पूरा स्थान है जहाँ से हमको आदि मानव के अवशेष मिले हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आदि मानव के अवशेष मिले हैं, जहाँ से अपन को ये पता लगा है कि यहाँ आदि मानव पहले रहता था, या इनके इस प्रकार की सामग्री मिली है, वो किस प्रकार जीवन यापन करता था, तो उसके अवशेष मिले हैं। लेकिन जो ऐसे स्थान हैं उनको पूरा स्थान कहते हैं, पूरा स्थल। ठीक है, पूरा स्थल का मतलब समझ में आ गया होगा कि वह स्थान जहाँ से आदि मानव या प्राचीन समय के बर्तन, लकड़ी, पत्थर या औजार मिले हैं। अब ये पूरा स्थल कौन सी जगह हो सकते हैं? नदी के किनारे मिले, जैसे नदी के किनारे मुझे प्राचीन समय के हथियार मिले हैं, वहाँ आदि मानव के हथियार हैं, लकड़ी है, उनकी कोई हड्डियाँ हैं, या बर्तन से मिले हैं, तो वो स्थान कौन सा हो जाएगा? पूरा स्थल हो जाएगा। अब जो स्थल है वो कोई भी हो सकता है, किसी गांव में मिला है, किसी खेत में, किसी नदी के किनारे, किसी झील के किनारे, किसी जंगल में, किसी पहाड़ पर, तो वो सारे स्थान क्या होते हैं? पूरा स्थल होते हैं। तो पूरा स्थल किसे कहते हैं? सिंपल सी ध्यान रखना है कि ऐसे स्थान जहाँ प्राचीन काल के बर्तन, प्राचीन काल के हथियार, पत्थर मिले हैं, उन जगहों को क्या बोलते हैं? पूरा स्थल कहते हैं। जहाँ से अपन को प्राचीन समय के अवशेष मिलते हैं, प्राचीन समय की चीज़ें मिलती हैं, उनके टुकड़े, उनके अवशेष मिलते हैं, उस स्थल को पूरा स्थल कहते हैं। और ये कौन से स्थल हो सकते हैं? ये कोई भी जगह हो सकती है, जंगल भी हो सकता है, गुफाएँ हो सकती हैं, नदी के किनारे
जिलों के किनारे, गांव, खेत, किसी भी जगह पर अगर स्थान है जहाँ पर अपन को प्राचीन समय के अवशेष मिलते हैं तो वो स्थल कौन सा होगा? पूरा स्थल होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे स्थल है कहाँ कहाँ, ये भी तो बात कर लेते हैं। तो भारत के संदर्भ में बात करेंगे कि जो भारत है, दक्षिण भारत के अंदर विशेषकर बात करेंगे, अब देखो दक्षिण भारत के अंदर एक जगह है हुस्की, कर्नाटक में जगह है हुस्की, यहाँ पर अपन को गुफाएं मिले, अपन को प्राचीन समय के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर ये जो स्थल है कौन सा स्थल है? पूरा स्थल है। एक यहाँ कर्नाटक के अंदर जगह है कुर्नूल, कुर्नूल यहाँ की गुफाएं भी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी लोग टूर के रूप में जाते हैं घूमने के लिए कुर्नूल। तो कुर्नूल की जो गुफाएं हैं ये भी क्या हैं? पूरा स्थल है। यहाँ पर भी अपन को आदिमानव के बारे में जानकारी मिलती है। जब कुर्नूल की गुफाएं देखते हैं तो अपन को वहाँ पर पुराने समय के जो बर्तन हैं उनके, पुराने समय के जो हथियार हैं पत्थर के बने हुए, उनके अवशेष मिले हैं। ये इनकी खोज किसने की है? जो मैं भी बताया था आपको, पुरातत्वविदों ने खोज की है। तो कुर्नूल की गुफाएं भी ऐसे स्थल हैं जहाँ प्राचीन मानव के अवशेष मिलते हैं। इन गुफाओं को देखते हैं तो लगता है कि यहाँ प्राचीन समय में हमारे जैसे आदि मानव रहते थे, वो इस प्रकार रहते थे। क्योंकि वहाँ पर जब अपने खोजबीन की तो अपन को पुराने अवशेष मिले हैं जिसके अंतर्गत हमको बर्तन वगैरह काफ़ी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश है अपना MP, वहाँ गुफाएं हैं भीमबेटका, जगह का नाम है भीमबेटका। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो भी क्या हैं? प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो MP मतलब मध्य प्रदेश, वहाँ एक जगह है भीमबेटका, वहाँ पर भी गुफाएं बनी हुई है पहाड़ के अंदर, जंगल के अंदर। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनकी जो खोज श्रीधर वाकणकर ने की थी, ये भी ध्यान रखना आपको। तो वहाँ काफ़ी गुफाएं मिली अपन को भीमबेटका के अंदर। तो भीमबेटका की गुफाएं हैं, जब इनके अंदर अपन जाते हैं तो गुफाओं की दीवारों पर शैल चित्र बने हुए हैं, गुफा की हैं, गुफाओं की दीवारों पर चित्र बने हैं, गुफा चित्र बने हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपन को शैल चित्र मिलते हैं, मतलब शैल चित्र का मतलब ये हुआ कि पत्थर हैं, उस पत्थर पर चित्र बनाए हुए हैं। पत्थर मतलब गुफा है, गुफा भी पत्थर की तो ना, उसके ऊपर चित्र बनाया हुआ है। अब इसको मैं गुफा चित्र भी कह सकता हूँ। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें गुफा चित्र मिलते हैं, जब इनके अंतर जाते हैं तो अपन को गुफा चित्र मिलते हैं। वहाँ बहुत सारे चित्र बनाए हुए हैं गुफा के दीवारों के ऊपर। चित्र किस प्रकार के बनाए हैं? इस प्रकार के, मतलब रेखा से चित्र बनाए उन्होंने ऐसे इस प्रकार से, वो भी चित्र बनाया शिकार करते हुए। आदिमानव क्या कर रहे हैं? शिकार कर रहे हैं, शिकार भैंसे का कर रहे हैं, गैंडे का शिकार कर रहे हैं, हिरण का शिकार कर रहे हैं, उनके हाथ के अंदर धनुष लिए हुए हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं। ये जो चित्र बनाए हैं वो सब रेखीय चित्र हैं। रेखीय चित्र का मतलब समझ में आ गया है कि रेखाओं से बनाए हुए, ऐसे बिल्कुल आपकी तरह जो वर्तमान में जो चित्र हैं अपने, जब भगवान के फोटो हैं तो उसमें रेखा तो नहीं, उसमें पूरे चित्र बनाए हुए, उसमें कलर व्यवस्थित भरे हुए हैं। लेकिन जो भीमबेटका की गुफाएं हैं या कुर्नूल की जो गुफाएं हैं, वहाँ जो अपन को चित्र मिले हैं वो शिकार करते हुए हैं, उसमें रेखीय चित्र हैं। रेखीय चित्र का मतलब ये हो गया कि रेखाओं से बने हुए। अगर आदिमानव खुद का चित्र बनाए तो ऐसे रेखाओं से बनाए उन्होंने इस प्रकार से ना, बल्कि व्यवस्थित रूप से बाल बनाए हैं, कान वान ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसी जगह है, तीन जगह प्रमुख है पूरा स्थल में जिनकी बात आती है। वहाँ ऐसी गुफाएं मिली हैं जो आदि मानव के अवशेष मिलते हैं। एक तो नाम है हुस्की, कर्नाटक के अंदर है। कुर्नूल की गुफाएं भी कर्नाटक में हैं और भीमबेटका की तो विश्व प्रसिद्ध हैं। इनकी खोज किसने की थी? श्रीधर वाकणकर ने की थी और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत हैं। तो अपन को ये समझ में आ गया कि आदि मानव किस प्रकार जीवन यापन करता था, कैसे शिकार करता, क्यों घूमता था, किन चीज़ों से शिकार करता था। अब जिन चीज़ों शिकार कर रहा है, वो हथियार कर रहा है, तो वो क्या करता है? जैसे मान लो लकड़ी है तो उस लकड़ी के आगे पत्थर लगाता था, और बाद के समय में यहाँ पर वो एक तरह से हंसिए का प्रयोग करने लग गया था, आरी जैसी चीज़ों का प्रयोग करने लग गया था। जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार का, मतलब फसल काटने के लिए होता है ना, जिसको हसिया कहते हैं, वो भी इस लकड़ी के आगे लगाता था और फिर जंगली जानवर को मारने के लिए, खुद की सुरक्षा करने के लिए इनका प्रयोग करता था। तो समय के साथ में जब इन चीज़ों की खोज हुई, आग की खोज हुई, तो उसकी जीवन शैली में बदलाव आया।
जिस तरीके से वो पहले रहता था, रहने के तरीके में बदलाव आया। एक दिमाग उसके अंदर जो है वो विकास के रूप में था, विकास के दौर में था, जिसका दिमाग व्यवस्थित रूप से था, और धीरे